दोस्तों, थैलापाथी विजय की फिल्म मास्टर को रिलीज हुए आज 19 दिन से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर फिल्म के टोटल 19 दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म का बजट कितना था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है या फिर हो चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप थैलापाथी विजय के डाई हार्ड फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें थैलापाथी विजय की फिल्म मास्टर के टोटल 19 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो मास्टर फिल्म ने शुरुआती 18 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन किया था 147 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और आज इस फिल्म का 19वां दिन है यानी कि रविवार, और ये 19वें दिन अपने रविवार को कमा रही है 50 लाख। इसी के साथ मास्टर फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 147 करोड़ 50 लाख, और मास्टर फिल्म ने अब तक इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 172 करोड़। आपको बता दें, मास्टर फिल्म ने अब तक ओवरसीज मार्केटों से कमाई करी है 41 करोड़ की। जी हां दोस्तों, 41 करोड़ की ओवरसीज मार्केट का कलेक्शन और इंडिया ग्रोस कलेक्शन 172 करोड़ है। अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसी के साथ मास्टर फिल्म ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है 215 करोड़, और मास्टर फिल्म को 110 करोड़ के बजट पर बनाया गया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, एक बात सुनकर बहुत हैरानी होगी, इस फिल्म को 50% की ऑक्युपेंसी के साथ तो रिलीज किया ही गया था, ये बात तो अलग है, लेकिन इस फिल्म को पूरे वर्ल्ड वाइड में सिर्फ 3000 स्क्रीन्स मिली थी। जी हां दोस्तों, इस फिल्म को इतनी कम स्क्रीन पर भी इस फिल्म ने 215 करोड़ की कमाई कर ली 50% की ऑक्युपेंसी के साथ, और कोरोना वायरस का लोगों के बीच में डर अलग था। अगर हम इस फिल्म को अगर 100% की ऑक्युपेंसी होती और लोगों के बीच में कोरोना वायरस का डर ना होता तो ये फिल्म 700 से 800 करोड़ तो आसानी से कमाती। और अगर हम बात करें अभी के हिसाब से ये फिल्म हो चुकी है ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।